लक्सर तहसील क्षेत्र के गांव गगदासपुर में गायशाला में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तहसीलदार भी मौजूद थी। जब हमने इस बाबत मैडम तहसीलदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां ग्रामीणों और गौशाला में कार्य करने वालों के बीच कुछ विवाद चल रहा था, जिसका निरीक्षण किया गया और दोनों ओर से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद यहाँ पर जो गौशाला है गंगदासपुर में, उसमें गांव वालों का कहना था कि गौशाला की जो गाय हैं वो उनके खेतों में चली जाती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी संबंध में इन दोनों पक्षों से वार्ता की गई और इसका निस्तारण करते हुए ये किया गया कि भाई जो गौशाला वाले हैं गाय के जो चारे की व्यवस्था है ही गौशाला के ही अंदर करें। और गांव वालों ने भी इसमें पूरा अपना सहयोग देने के लिए आश्वासन दिया है कि वो भी क्या करेंगे, गांव गायों को एक एक गट्ठर घास का प्रत्येक परिवार इनको घास से देगा और ये गायों को बाहर नहीं छोड़ेंगे ताकि अन्य गाँव वालों का जो भी फसल है उसको नुकसान ना हो पाए। तो प्रकरण का फिलहाल दोनों सहमति उनकी हो गई है। मैडम एक सवाल करूँ, अभी 6 महीने लगभग हो गए हैं, SDM साहब ने कुछ ज़मीन जो है ना कहा गया था कि भाई चुगान के लिए जो है वो पटवारी को आदेश कर दिया था, वो कागज़ में भी देखा है लेकिन मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो शायद आपके संज्ञान में हो तो उसके विषय में क्या हो रहा है। हाँ, इसमें जो सरकारी जो जमीन ग्राम समाज की जो ज़मीनें हैं या व्यक्तिगत जो भी ज़मीनें हैं उसमें कुछ लोगों के आए हैं प्रार्थना पत्र जांच के लिए और उसमें जल्द हम लोग आज भी आए हैं, आज देख रहे हैं कि मौके की स्थिति क्या है, फिर पेमाइश कर दी जाएगी। जो भूमिधरी की ज़मीनें हैं वो उनको नाप करके दे दी जाएगी, अगर सरकारी ज़मीन अलग पृथक कर दी जाएगी नाप करके, और अगर इसमें कोई अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ज़मीनों को खाली करा दिया जाएगा।